नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूँ आप सबका सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 18 मार्च का दिन, चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं 18 मार्च के दिन के। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है जो कि करंट अफेयर्स पर आधारित है तो आप इस पर एक लाइक आप जरूर कर दिया करें। इसके साथ दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं 18 मार्च के। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि दोस्तों हाल ही में जो पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वो किसके द्वारा प्रदान किए गए आपको बताना है। तो दोस्तों हाल ही में जो पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वो हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रदान किए गए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दोस्तों वर्ष 2019 का पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया, तब से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो पद्म पुरस्कार होते हैं वो टोटल 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। पहली श्रेणी है पद्म विभूषण की, दूसरी है पद्म भूषण की, तथा तीसरी है पद्मश्री की। दोस्तों इन 3 श्रेणियों में पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं कि इस बार का जो 3 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया गया पद्म पुरस्कार, किस किस श्रेणी में कितने पुरस्कार दिए गए इसकी भी बात कर लेते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। तो पद्म विभूषण में इस बार दोस्तों टोटल 14 पुरस्कार प्रदान किए गए, पद्म विभूषण में टोटल 14 पुरस्कार। उसके बाद दोस्तों पद्म भूषण में टोटल इस बार 4 पुरस्कार प्रदान किए गए। उसके बाद दोस्तों लास्ट में टोटल 94 पुरस्कार पद्मश्री श्रेणी में प्रदान किए गए। तो दोस्तों आप इसे याद कर सकते हैं कि कौन कौन श्रेणियों में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में सोयूज स्पेसक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुंचा है। तो दोस्तों आपको बताना कि यह जो स्पेस क्राफ्ट है सोयूज वो किस देश का स्पेस क्राफ्ट है। तो दोस्तों जो सोयूज स्पेस क्राफ्ट है वो रूस देश का स्पेस क्राफ्ट है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सोयूज स्पेस क्राफ्ट है वो रूस देश का रसिया का स्पेस क्राफ्ट है, जिसे आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुँच गया है। दोस्तों इसमें आपको बता दूँ इस स्पेस क्राफ्ट में नासा के 3 अंतरिक्ष यात्री हैं। ये जो स्पेस क्राफ्ट दोस्तों पहुंचा है अंतरिक्ष स्टेशन में, इसमें नासा के 3 अंतरिक्ष यात्री हैं। पहले हैं निक हेग, दूसरे क्रिस्टीना कोस, तथा तीसरी एक रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं एलेक्सी ओचिनिन। तो आप तीनों का नाम याद कर सकते हैं दोस्तों। इस स्पेस क्राफ्ट में टोटल 3 लोग पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। कौन कौन से? नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं निक हेग, उसके बाद क्रिस्टीना कोस, तथा एक रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं अलेक्सी ओचिनिन। ये 3 अंतरिक्ष यात्री दोस्तों जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे सोयूज स्पेस क्राफ्ट से, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सोयूज स्पेस क्राफ्ट, यहाँ पे देख पा रहे हैं यही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में हाल ही में सफलतापूर्वक पहुंचा जो कि रसिया का स्पेस क्राफ्ट है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सोयूज स्पेस क्राफ्ट की, बात कर लेते हैं दोस्तों जहाँ पर यह पहुँचा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। दोस्तों ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है दोस्तों, वो 5 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त कार्यक्रम है। कौन कौन देशों की बात कर लेते हैं आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। दोस्तों पहला हो गया यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, दूसरा हो गया रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी जो है रास्कोमोस, तीसरा हो गया दोस्तों जापान की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है तो जाक्सा, उसके बाद दोस्तों यूरोप की जो अंतरिक्ष एजेंसी है ESA, तथा उसके बाद लास्ट में कनाडा की जो अंतरिक्ष एजेंसी है CSA। इन 5 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आपको बता दो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है वो 92 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है वो टोटल अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करने में 92 मिनट लेता है। 92 मिनट में दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS है वो 92 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। टोटल था एक दिन में टोटल 15.15 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। टोटल एक दिन में 15.5 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तथा एक बार बात करें तो 92 मिनट में पहले पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, तो आप दोनों याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में मनोहर पारिकर जी का निधन हो गया है, यह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं आपको बताना है। तो दोस्तों हाल ही में जो नेता थे जो मनोहर पारिकर जी, उनका निधन हो गया, देहांत हो गया, तो वो CM थे गोवा के, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ये गोवा के CM थे, तो आप इसे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। मनोहर पारिकर जी गोवा के मुख्यमंत्री के पद पे थे, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ दोस्तों आपको बता दूँ 17 मार्च के दिन जो मनोहर पारिकर जी हैं जो गोवा के CM थे, इनका निधन हो गया था 17 मार्च के दिन, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हैं
श्री मनोहर पारिकर जी, जिनका देहांत हाल ही में हो गया 17 मार्च के दिन। दोस्तों ये जो लंबे समय से किससे पीड़ित, इनको कैंसर से पीड़ित थे, आप इसे याद कर लेंगे, इनको कैंसर की बीमारी हुई थी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा ये गोवा के CM भी रह चुके थे। तथा आपको बता दूँ ये 1914 से 1917 तक रक्षा मंत्री के पद पर भी थे, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। जो ये मनोहर पारिकर जी हैं वो 2014 से 2017 के बीच रक्षा मंत्री के पद पर भी थे, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इनसे संबंधित एक चीज़ और, ये पहले किसी देश के सॉरी ये पहले किसी राज्य के CM थे जो कि दोस्तों IIT से पास आउट थे, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। ये किसी राज्य के पहले ऐसे CM थे जो कि IIT से पास आउट थे, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है मनोहर पारिकर जी से संबंधित। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में जलवायु भेद्यता सूचकांक को जारी किया गया, दोस्तों इस सूचकांक में किन राज्यों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ आपको बताना है। तो दोस्तों हाल ही में जारी जलवायु भेद्यता सूचकांक में असम और मिजोरम को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों हाल ही में जारी जलवायु भेद्यता सूचकांक में असम और मिजोरम को पहली रैंक प्राप्त हुई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में असम और मिजोरम को जलवायु विविधता सूचकांक में पहली रैंक दी गई है, तब इसे भी याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह जो रिपोर्ट है जलवायु विविधता सूचकांक, दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हिमालय क्षेत्र के सभी राज्यों में जलवायु परिवर्तन भेद्यता के आकलन के लिए यह जारी किया गया, आप इसे याद कर लीजिएगा। जलवायु यह जो रिपोर्ट है वो हिमालयी क्षेत्रों में सभी राज्यों में जो जलवायु के में कितना परिवर्तन आया है उस रिपोर्ट उसके हेतु यह जारी की गई, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। तथा मूल्यांकन से दोस्तों पता चलता है कि टॉप नंबर पे असम और मिजोरम है, तथा इसमें सबसे कमज़ोर स्थिति है दोस्तों इस बार सिक्किम राज्य की। तो सिक्किम राज्य में दोस्तों जलवायु परिवर्तन बहुत अधिक हुआ है, हिमालय का जो क्षेत्र है सिक्किम, उसमें जलवायु परिवर्तन सबसे अधिक मात्रा में हुआ। उसके बाद दोस्तों जो असम और मिजोरम राज्य वहाँ पर जलवायु भेद्यता बहुत कम पाई गई जो हिमालय के क्षेत्र में, इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडोनेशिया की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज कौन सा है आपको बताना। दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया की यात्रा करने वाला जो तटरक्षक जहाज वो विजित है, हाल ही में ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों हाल ही में ये इंडोनेशिया की यात्रा करके पुनः अपने तट पे पहुंचा, जिसका नाम है विजित जहाज, जो कि इंडोनेशिया की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज भी बन गया है, आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे ये है विजित तटरक्षक जहाज, जो कि हाल ही में इंडोनेशिया की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज बन गया है, इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई विजित की, जो कि इंडोनेशिया के हाल ही में यात्रा करके आया है। बात कर लेते हैं जहाज से यात्रा करके आया इंडोनेशिया के। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता है। प्रेजेंट टाइम में जो करेंसी है रुपया है। तथा प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के दोस्तों वो हैं जोको विडोडो। तो आपको इतनी चीज़ें इंडोनेशिया से संबंधित याद रखनी है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में RBI द्वारा गृह फाइनेंस के अधिग्रहण हेतु किस बैंक को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों हाल आपको बताना है कि हाल ही में गृह फाइनेंस के अधिग्रहण के लिए किस बैंक को हाल ही में RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी। दोस्तों हाल ही में गृह फाइनेंस नामक कंपनी के अधिग्रहण के लिए बंधन बैंक को हाल ही में RBI के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, तब इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों हाल ही में RBI ने गृह फाइनेंस को अधिग्रहित करने के लिए बंधन बैंक को मंजूरी दे दी गई, अब इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बंधन बैंक। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है बंधन बैंक को हाल ही में RBI के द्वारा मंजूरी मिल गई दोस्तों गृह फाइनेंस बैंक को का अधिग्रहण करने के लिए, तो अब इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों बात करते हैं बंधन बैंक की, जिसके द्वारा इसको अधिग्रहित किया जाएगा। दोस्तों बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो प्रेजेंट टाइम में कोलकाता में, तथा इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों हुई थी 23 अगस्त 2017 का, याद कर सकते हैं 23 अगस्त वर्ष 2017 को दोस्तों बंधन बैंक की स्थापना हुई थी पश्चिम बंगाल में। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज ने बंधन बैंक नाम का पूर्ण बैंक शुरू किया था, इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी बंधन बैंक की वो हुई थी 23 अगस्त 2017 को पश्चिम बंगाल में बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा, आप इसे याद कर लीजिएगा। बंधन बैंक की जो स्थापना हुई थी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कब हुई थी, तो हुई थी 23 अगस्त 2017 को पश्चिम बंगाल में बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा बंधन बैंक की स्थापना की गई थी। तथा प्रेजेंट टाइम में जो इसके चेयरमैन है दोस्तों बंधन बैंक के, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपसे याद कर लीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन है बंधन बैंक के वो हैं अशोक लहरी जी हैं। उसके बाद दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम में CEO या MD कह सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में जो CEO और MD दोनों हैं चंद्रशेखर घोष। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। एक चीज़ और दोस्तों, बंधन बैंक का जो मेन वाक्य है वो है
आपका भला सबकी भलाई, आप इसे वाक्य भी याद कर सकते हैं जो बंधन बैंक का है, आपका भला आपकी भलाई, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको इतनी चीज़ें बंधन बैंक से संबंधित याद रखनी है, तथा हाल ही में बंधन बैंक को रीफाइनेंस के अधिग्रहण के लिए RBI ने मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए संगम परियोजना की शुरुआत किसने की है हाल ही में। तो दोस्तों आपको बताना है कि हाल ही में भारत में जो स्वच्छ मिशन चलाया जा रहा है उसको और बढ़ावा देने के लिए हाल ही में संगम नामक परियोजना की शुरुआत की गई है। परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है संगम आपको बताना है। तो दोस्तों हाल ही में संगम नामक परियोजना माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर कंपनी विश्व की दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी कंपनी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, उसी के द्वारा हाल ही में संगम नामक परियोजना की शुरुआत की गई है दोस्तों भारत में स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए। तब इसे याद कर लीजिएगा संगम परियोजना जो कि स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई, इसको जो शुरुआत किया गया वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरुआत किया गया, इसे भी याद कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों आपको बता जो संगम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए अब जो परियोजना है वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ काम करेगा, इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों जो संगम परियोजना है वो आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसके साथ मिलकर काम करेगा, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है माइक्रोसॉफ्ट, तथा इसी के द्वारा संगम नामक परियोजना लॉन्च की गई है, शुरू की गई जो स्वच्छ भारत मिशन को और अधिक तेजी देगी, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की भी जिसके द्वारा इस परियोजना को शुरुआत किया गया। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल वर्ष 1975 को, अपडेट याद कर सकते हैं 4 अप्रैल वर्ष 1975 ईस्वी को दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी किसके द्वारा। तो इसके जो संस्थापक हैं माइक्रोसॉफ्ट के वो हैं बिल गेट्स और पॉल एलन संस्थापक हैं माइक्रोसॉफ्ट के, तथा प्रेजेंट टाइम में इसका जो हेडक्वार्टर है रेडमंड वाशिंगटन USA में, तब इसे याद कर लीजिएगा जो प्रेजेंट टाइम में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है वो रेडमंड वाशिंगटन में, इसे भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में योनो कैश नामक परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई, आपको बताना है दोस्तों कि हाल ही में योनो कैश नामक एक परियोजना को लॉन्च किया गया या किसके द्वारा लॉन्च की गई परियोजना, आपको उसका नाम बताना। दोस्तों हाल ही में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह परियोजना लॉन्च की गई, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में SBI ने अपने ग्राहकों के लिए दोस्तों योनो कैश नामक परियोजना लॉन्च की है, तो अब इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है योनो बाई SBI, जो ये परियोजना योनो है वो SBI के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई उसके ग्राहकों के लिए। दोस्तों इस परियोजना का मेन उद्देश्य क्या होगा दोस्तों इस परियोजना के चलते आप जिसके जो ग्राहक होंगे SBI के वो बिना डेबिट कार्ड का उपयोग किए ही ATM से पैसा निकाल सकते हैं। इस परियोजना का मेन उद्देश्य है मेन मोटिव दोस्तों कि जितने भी SBI के ग्राहक हैं वो इस ऐप के जरिए इसके जरिए दोस्तों बिना डेबिट कार्ड का उपयोग किए ही ATM से पैसा निकाल सकते हैं, आप इसे भी याद कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा आपको बता दूं जो योनो है इसका जो फुल नेम है वो है यू ओनली नीड वन। यह सुविधा देश में पहली बार SBI द्वारा लॉन्च की जा रही है जो कि बिना डेबिट कार्ड के आप ATM से पैसा निकाल सकते हैं, इसका फुल नेम क्या है, तो दोस्तों यू ओनली नीड वन, आप इसे याद कर लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों आपको इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित याद रखनी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता तो इस पर एक लाइक आप जरूर कर दिया करें। इसके साथ दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।